अब तो मतलब मैंने तीसरी बार इस मंत्रालय का पदभार संभाला है 2016 से लेकर मैं इस मंत्रालय में काम करता हूँ 8 साल से, और तीसरी बार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं और मैं भी सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट का मैं राज्य मंत्री बना हूँ। मेरे ऊपर मोदी जी ने विश्वास जताया है, इसीलिए उनका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और मोदी जी का जो 100 दिन का रोड मैप है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कल से चालू हुआ है। कल 3 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को फ्री में मकान देने का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम उन्होंने अनाउंस किया है, उसके लिए बजट मंजूर किया है और किसानों के लिए कम से कम 20,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो ऐसे टप्पे टप्पे से निर्णय हो जाएंगे और मुझे लगता है कि सरकार जो है सरकार 5 साल तक चलेगी। अपोजिशन वाले बोल रहे कि भाई सरकार 6 महीना नहीं रहेगी, मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि मनमोहन सिंह जी की सरकार 10 साल चली थी तब कांग्रेस पास कितने मेंबर थे? तो अनेक पार्टियों का UPA बना था और मनमोहन सिंह जी ने 10 साल तक सरकार चलाई थी, फिर हमारी सरकार क्यों नहीं चलेगी? हमारी सरकार 5 साल नहीं और 20 साल चलेगी NDA की सरकार, इतना ही कांग्रेस को बताना चाहता हूँ। तो मैं एक याद दिलाना चाहता हूँ कि 2014 में जब मोदी साहब प्रधानमंत्री बने थे तो अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था, उसमें पाकिस्तान के अध्यक्ष के नाते नवाज शरीफ को भी बुलाया था। और तो हमारे मन में अहंकार नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। नवाज शरीफ को हमारा इतना ही कहना है कि पाक व्याप्त कश्मीर हमारे हवाले कर दो और आतंकवाद को खत्म करो, ये बातें हो जाएगी तो भारत के साथ दोस्ती करने से पाकिस्तान का बहुत फायदा होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी डेवलप होगी, वहाँ बहुत सारी फैक्ट्री हम इधर से वहाँ ले जाएंगे और वहाँ के लोगों को न्याय देने का काम हम करेंगे। तो इसीलिए ये जो विवाद है इसको ख़त्म करने की भाषा अगर उन्होंने की है तो ज़रूर मतलब आगे अगर कोई दोनों नेता एक साथ बैठते हैं तो ज़रूर उसमें से मार्ग निकलेगा। हाँ, तो जिस तरह मोदी जी ने उसको रिप्लाई दिया है और नवाज शरीफ का स्वागत भी उन्होंने किया है, उन्होंने जो भूमिका रखी है ये दोनों देशों के फायदे की है, और इसी तरह मुझे लगता है कि अभी दोनों देशों में दोस्ती अच्छी हो सकती है, आतंकवाद खत्म हो सकता है, लोगों की कुर्बानी बंद हो सकती है और इसमें मतलब ये सिटीजन को भी मार रहे हैं और बस पर हमला करके ऐसे गरीब लोगों की हत्या कर रहे हैं, पुलिस आर्मी पर हमले कर रहे हैं और उसमें वो भी लोग मर रहे हैं। तो इसीलिए ये सब शांत हो सकता है, तो मुझे लगता है कि नवाज शरीफ जी की भूमिका का मैं स्वागत करता हूँ और बहुत जल्द ही भारत और पाकिस्तान की मीटिंग होनी चाहिए और उसमें कोई महत्वपूर्ण फैसले होना चाहिए।